इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। तकरीबन 120 से भी ज़ायद मुल्क इसके जद में आ चुके हैं और मुल्क हिंद में भी इसका असर देखा जा रहा है और 107 से भी ज़ायद मामले सामने आ चुके हैं। बेलगाम डीसी की जानिब से भी शॉपिंग मॉल, फिल्म थिएटर और बड़े बड़े इजलास पर पाबंदी भी लगा दी गई है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि लोगों में एक तरह की गलतफहमी फैली हुई है कि चिकन की वजह से ये जो कोरोना का वायरस है वो फैलता है। लिहाजा ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से ये भी कहा गया कि चिकन का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन बेलगाम शहर में भी इस बात को महसूस किया जा रहा है, क्योंकि जबकि हम देखते थे कि 150 के करीब जो पहुंचा था, अब चिकन 80 के करीब है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलीम मोमिन साहब, जो बेलगाम चिकन एसोसिएशन के वो सदर भी हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बेलगाम शहर में जिस कदर ये इसका एक डर खौफ देखा जा रहा है और लोगों में जिस तरह चिकन से दूरियां कर जो बरती जा रही है, उसको लेकर वो क्या कहते हैं। सबसे पहले सलीम मोमिन साहब, हमारे चैनल पर आपका इस्तकबाल खैर मकदम। जिस तरह का माहौल एक बनाया गया है पूरे मुल्क में हो, फिर खासकर हम बेलगाम की बात करेंगे तो शहर के अंदर एक तरह का, और कई जगह पर हमने ये भी सुना कि मुर्गियाँ फ्री में तकसीम की गई या तो 100 में दो दी गई, तो ये क्या है, ये क्या वजह है और इसको कैसे इनका शक दूर किया जाए आवाम का। देखिए, पहले तो ये जो व्हाट्सएप पे जो लोगों ने दिया हुआ है जो फेक न्यूज़, ये इतनी गलत न्यूज़ दिया हुआ है। ये तो जो वायरस जो है आदमी से आदमी को लग रही है, इसे कौन से भी जानवर से मतलब नहीं है, जानवर का गोश्त खाने से मतलब नहीं है। और ये लोगों ने जो फेक न्यूज़ जो दिया हुआ है, इसका असर पूरा मार्केट पे हो गया है। मार्केट टोटली जो आज इंडिया लेवल पे जो पोल्ट्री बिजनेस है वर्ल्ड के थर्ड लेवल पे है, मगर आज अब्जो रुपये का इसका नुकसान किए हुए हैं। ये कुछ नहीं, गलत न्यूज़ से हुआ है और इसकी वजह से लोगों में जो चिकन खाने से बीमारी आती है, ऐसा ही बर्ड फ्लू में भी हुआ था। तो ये गलत न्यूज़ है, गलत बात है। एक ये इसकी वजह से ये मार्केट इतनी नीचे आ गई है कि लोग अभी जहाँ पे मैं इसका सेल 100% है वहाँ पे 20% 30% सेल हो रहा है। तो खाली कुछ भी नहीं है, डर की वजह से हो रहा है। इसका असर होटल एसोसिएशन या होटल्स पे भी हो गया है। होटल्स, बहुत से होटल्स अभी बंद होने की जगह पे पहुँच चुके हैं। तो ये गलत अफवाह फैली हुई है। सलीम भाई, जैसा कि आप इसके बहुत पुराने माहिर हैं, समझ लीजिए आप इस कारोबार के, कई सैकड़ों फैमिलीज़, कई सारे ख़ानदान इस कारोबार पर चलते हैं। अब इस तरह के जब मामला पेश आते हैं तो इनके रोज़ी रोटी का भी मसला आ जाता है। तो इसके लिए आपका जो चिकन एसोसिएशन हो या तो फिर जो मेडिकल एसोसिएशन, जो बार बार ऐलान करने के बावजूद भी लोगों में जिस तरह से अफवाह फैलाई जा रही है, तो इनके बारे में, आपके कारोबार में जो जुड़े हुए लोगों के बारे में आगे क्या आपकी ये रहेगी रद्द अमल या पॉलिसी क्या रहेगी सर? देखिए, अभी ये इसमें इंडस्ट्री परेशान है, हैचरीज परेशान है, बहुत से आधे दुकान बंद पड़ चुके हैं और गवर्नमेंट उसके पे अभी क्या एक्शन लेती है देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से जो ये धंधे के अंदर 50% लोग जो है वो डेली कमा के डेली खाने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों के धंधे बंद पड़ चुके हैं। तो हमारी राय ऐसी है कि गवर्नमेंट इनको कुछ तो हेल्प करे, हेल्प करके लोगों को उठाए। और ये इंडस्ट्री जो है, अगर ऐसा होंगे तो इंडस्ट्री 50% बंद पड़ जाएगी। आप आवाम को क्या पैगाम देंगे सर, जो डर खौफ देखा जा रहा है इस तरह? देखिए, मेरा पैगाम तो ये है कि इसके वजह से कुछ भी नहीं है। अभी देखो, मुर्गियाँ फ्री में बांटी जा रही हैं, कहाँ पे 100 को 5 दे रहे हैं, वो लोग खा रहे हैं, वो लोगों को कौन सा असर हुआ है? कोई इसमें से बीमार भी नहीं हुआ, कोई मरा भी नहीं है। अच्छा, होटल के अंदर जो छोटे मोटा ग्राहक जो बचा हुआ है वो भी चिकन खा रहे हैं, क्योंकि मटन तो उनको वर्कआउट नहीं होता, तो चिकन पे उनका होटल लाइन का धंधा चलता है। तो थोड़े बहुत जो लोग खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं, उसमें से कोई भी नहीं मरा, बेलगाम में एक भी केस नहीं हुआ। तो ये क्या है, गलत अफवाह की वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से चिकन खा सकते हैं, इसमें ना बीमारी है ना कौन सा वायरस है,
और क्या बात है सलीम भाई कि बीमारी या इस तरह का कुछ होता है तो मुर्गी की तरफ ही शक से देखा जाता है। ये हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है कि बर्ड फ्लू के वक्त भी जहाँ पे हुआ वो भी इंडिया से बाहर हुआ। बेलगाम में विकार में उसका ऐलान किया गया कि बर्ड इंडिया में आ गया, इंडिया में आ गया, इंडिया में आ गया। और अभी ये वायरस चाइना में हुआ है। अभी ये बता रहे हैं कि इंडिया में लोगों को डराया जा रहा है। अच्छा, इसके पीछे किसका मकसद क्या है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एजुकेटेड लोग हैं वो भी समझदार है, वो समझना चाहिए कि वो गवर्नमेंट ऐलान कर रही है, न्यूज़ में आ रहा है, पेपर में आ रहा है, बाहर के न्यूज़ में आ रहा है कि चिकन की वजह से बीमारी नहीं है, मगर कौन सी वजह से लोग खाना छोड़ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई, सही कहा कि पूरे मुल्क में हो कहीं पर भी कुछ भी होता है, बीमारी फैलती है। जैसा भी कहा कि बर्ड फ्लू का एक दौर गुजरा तो हर चीज़ के लिए चिकन को ज़िम्मेदार ठहराने की एक रस्म इस मुल्क में देखी जा रही है। और ये हम भी एक ऐलान करते हैं हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से, क्योंकि ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने भी ऐलान किया हुआ है कि चिकन से जो है ये बीमारी फैलने का या तो वायरस का कोई भी जो है इसके अंदर कोई इम्कान नहीं है। लिहाजा इसमें सैकड़ों जो फैमिलीज, सैकड़ों लोग जो है इस कारोबार से जुड़े हुए हैं और उनकी रोज़ी रोटी का दारोमदार इसी चिकन के कारोबार पर है। लिहाजा किसी गलतफहमी का शिकार न बनते हुए और अफवाहों पर ध्यान तवज्जो न देते हुए जो है आप जिस तरह से चिकन के साथ बर्ताव करते थे वही रखिए। इस तरह की दूरियाँ कई सारे घरों के अंदर चूल्हा जलने से रोक सकती हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।